अब लो आपको सीताराम। एक लोग फिलॉसफी की बात है, तेज अप और अन्न के क्रम से सृष्टि हुई। तो क्रम से हुई कि अक्रम से हुई, इसमें भी मतभेद है। वैसे वेदांत का ही, वेदांत में दो पक्ष हैं। एक पक्ष है कि आकाश वायु अग्नि आदि के क्रम से सृष्टि होती है, एक पक्ष है कि तेज जल अन्न आदि के क्रम से सृष्टि होती है, और एक पक्ष है कि बिना क्रम के ही सृष्टि होती है। ये भी श्रौत है। एतस्माद् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च। परब्रह्म परमात्मा से ही प्राण मन इंद्रियां सब उत्पन्न होते हैं। ये नहीं कि पहले पंच तन्मात्रा पैदा हुई, फिर इंद्रियां बनी, फिर पंचभूत बने, ये सब नहीं। एक साथ, एक सपने में सब एक साथ पैदा होता है। स्वप्न का दृष्टांत एक साथ सबकी उत्पत्ति का है, उसमें क्रम जो मालूम पड़ता है वो गलत है। और सुषुप्ति में सबका एक साथ लय होता है, उसमें भी क्रम नहीं है कि पहले ये कि वो। तो जब स्वप्न की उत्पत्ति में और लय में क्रम नहीं है, तो जागृत की उत्पत्ति और लय में भी क्रम नहीं है। एक पक्ष ऐसा है, ये हमारे कश्मीरी सही लोग जो होते हैं वो क्रम अक्रम दोनों मानते हैं, सकल अकल दोनों मानते हैं, सकल भी है अकल भी है। अच्छा, आपको अब फिलॉसफी वाली बात सुनाते हैं। क्या है कि एक तो वो चीज है जो कभी पैदा नहीं होती, और एक वो चीज है उसको भी है बोलते हैं जो पैदा है। तो दोनों में कुछ फर्क है कि नहीं? मन दोनों को सत्य मान लेते हैं हम। एक वो सत्य है जो अनुत्पन्न सत्य है, जिसमें न नाम है न रूप है परंतु है, और ये वो सत्य है जो नाम रूप पैदा होने के बाद है के रूप में व्यवहार का विषय हुआ, माना गया, कहा गया, है ना। अच्छा, तो दोनों सत्यों में कोई फर्क है कि नहीं? अब ये एक उत्पन्न सत है, एक अनुत्पन्न सत है, एक पैदा हुआ एक पैदा नहीं हुआ। तो जो कभी पैदा नहीं हुआ उससे जब कोई चीज पैदा हुई तो उससे अभिन्न है कि भिन्न है? यदि अभिन्न है तो नाम रूप का कोई अर्थ ही नहीं रहा, कोई कीमत नहीं रही। और यदि भिन्न है तो भिन्नता पैदा हुई, भिन्नता मर जाएगी, और अपने अभाव में ही जहां भिन्नता का अभाव रह रहा था वहीं भिन्नता पैदा हुई। जहां सांप नहीं था वहीं सांप दिखने लगा, जहां घड़ा नहीं था वहीं घड़ा दिखने लगा, जहां आदमी नहीं था वहीं आदमी दिखने लगा, जहां नीलिमा नहीं थी वहीं नीलिमा दिखने लगी। अब बोलो बता। अपने अभाव के अधिकरण में ही जो वस्तु रहती है, अभाव का प्रतियोगी पदार्थ
घटाभाव का प्रतियोगी घाट यदि उसी अधिकरण में उसी स्थान पर है जहां घटाभाव है, तो या तो घटाभाव सच्चा हो या तो घट सच्चा हो, दोनों सच्चा नहीं हो सकता। स्वभावाधिकरणे भासमानत्व जो है अपने अभाव के अधिकरण में भासना, वो मिथ्या है अधिष्ठान की दृष्टि, वो अध्यास है और बुद्धि की दृष्टि। बुद्धि में अध्यास है, अध्यास वस्तु में नहीं रहता। अध्यास का निवास स्थान प्रमाता का अंतःकरण है, उसको अध्यास को भ्रम कहते हैं, अविद्या कहते हैं। और उस अविद्या के कारण, भ्रम के कारण, अध्यास के कारण, उस विपरीत ज्ञान के कारण, परीत ज्ञान वो होता है जो तत्व के अनुरूप होता है, और विपरीत ज्ञान वो होता है जो अन्यथा भास होता है। अतात्विको अन्यथा प्रथा, विवर्त इत्यदारतः अन्यथा प्रथा अतात्विको विवर्त, इसको विवर्त करते हैं। अच्छा तो देखो, अब इसमें सत इदमुत्थितम सदिति चेत ननु तर्क कहता, सत से जो उत्पन्न हुआ वो सत है, ये बात कहना बिल्कुल तर्क के विरुद्ध है। क्यों विरुद्ध है? तुमने सत, एक अनुत्पन्न सत और एक उत्पन्न सत, दो भेद बताया। अच्छा तो एक सत से यदि सत ही उत्पन्न हुआ तो उत्पन्न क्या हुआ? सत तो पहले से ही था, उत्पन्न कुछ हुआ ही नहीं, और जो पहले नहीं था वो उत्पन्न हुआ तो मिथ्या है। नाम रूप पहले नहीं था, पैदा हुआ तो मिथ्या है, और यदि नाम रूप नहीं सत ही है तो वो तो पहले से था, उत्पन्न क्या हुआ? उत्पत्ति बिल्कुल झूठी है, उत्पत्ति मिथ्या है। नास्ति रस्ति भविष्यति, अच्छा फिलॉसफी की बात छोड़ो। ऐसे चिन्ह मात्र में जो चैत्य पैदा होता है वो गलत होता है, सत में जो नाम रूप पैदा होता है वो गलत है, आनंद में जो भोग पैदा होता है वो गलत है। आनंद जो स्वयं है वो भोग करने के लिए दूसरे के पराधीन क्यों होगा? ज्ञान जो स्वयं है वो वृत्तियों को बना बनाकर क्यों देखेगा? सत जो स्वयं है उसको नाम रूप में परिणत होने की क्या आवश्यकता है, क्या प्रयोजन है? निष्प्रयोजन। ये बाद की जो शैली है ना, उस वो भी वैसे पूर्व मीमांसा में कोई 450 प्रकार से, मूल दर्शन में नहीं, टीकाकारों ने, सबर स्वामी ने, कुमारी भट्ट ने, खंडदेव ने, आपदेव ने, अलग अलग प्रकार से जो बात माना है कोई 450 प्रकार का है। बात का प्रकार तो नारायण बहुत बहुत लोग नहीं जानते हैं, जैसे हमारे ज्ञान में कोई झूठ समा गया है, हमने आंख से बिल्कुल ठीक नहीं देखा, गलत चीज मालूम पड़ने लगी, और जब हमारी आंख ने सच सच देखा तो वो जो झूठा रूप है ना जो दिख रहा था वो मिथ्या हो गया। एक ही तो तर्क है, सारे वेदांत में एक तर्क है, कौन सी ख्याति है? आत्मक ख्याति है ना, सत ख्याति है, असत ख्याति है, सदसत ख्याति है, कौन सी ख्याति है? तो हमारे वेदांती लोग एक प्रश्न करते हैं, बिल्कुल उसमें कोई शास्त्रार्थ करने की गुंजाइश नहीं, बाधितम भवति वा न वा, अज्ञान दशा में जो चीज जैसी जान पड़ती है,
ज्ञान दशा में उसका बाद हो जाता है कि नहीं, तो अज्ञान दशा में उसको झूठी नहीं कह सकते और ज्ञान दशा में उसको सच्ची नहीं कह सकते, इसलिए वो अनिर्वचनीय है। इसको अनिर्वचनीय क्या चीज है, ये बात है सीधा। तो सत्य उत्पन्न हुआ तो सत ही रहा कि दूसरा हो गया? यदि सत ही रहा ज्यो का त्यों तो कुछ उत्पन्न ही नहीं हुआ, उत्पन्न होना मिथ्या है। और यदि वो बदल गया तो सत कहाँ रहा? वो तो सत नहीं रहा, और सत नहीं रहा तो असत हो गया, सत से भिन्न तो असत होता है। अरे हे भगवान, सत्य भिन्न है तो असत है, और सत्य अभिन्न है तो उत्पन्न ही नहीं हुआ। सदसत नाम की कोई चीज होती नहीं, और सदसत विलक्षण भी, ये दर्शन शास्त्र में जो बात कही जाती है ना, निश्चय कराने के लिए कही जाती है। अब देखो एक बात आपको छोड़ देते हैं, जिसके मन में संसार की किसी वस्तु से राग द्वेष है, मूल्यांकन, ये दुश्मन हमारा नुकसान करेगा। क्या करेगा नुकसान? हम ऐसे हैं जिसको हमारे दुश्मन ने कभी देखा ही नहीं है वो, हाँ हमारा क्या नुकसान करेगा? तो हमारा दोस्त हमको फायदा पहुंचा देगा। अरे हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, वो फायदा क्या पहुंचा देगा? तो जिसके मन में राग द्वेष है, वो यदि सत्य वस्तु को समझने की कोशिश करेगा तो उसकी समझ में नहीं आता, उसको तो लड्डू खाना समझ में आता है। और डॉक्टर लोगों ने मना कर दिया, वो लड्डू खाना बना, तो उसको पैसा समझ में आता है, उसको औरत समझ में आती है, उसको कुर्सी समझ में आती है। अरे बाबा, तुम सत्य को समझना चाहते हो और नाम रूप में कीमत आंकते हो, इसी से जो शोध कार्य होता है ना, तो खोज शांति से खोज की जाती है कि नहीं? यदि आपको वैज्ञानिक खोज भी करनी है, साइंस में भी कोई, ये नहीं ये बना दिया वो बना दिया, वो मशीन बना दी वो पैदा कर दी, इसका नाम साइंस थोड़े है। जैसे आइंस्टीन तत्व का अनुसंधान करते थे तो मन में तो अशांति हो कि दुश्मन ने हमको गाली दे दी, आज बहू जो है वो न जाने कहां मौज करने चली गई है, मन में तो अशांति भरी, आज जो आमदनी होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है, अशांति दे करके बैठे और बोले हम वेदांत का विचार कर रहे हैं, तो माफ करो वेदांत को क्यों बदनाम करते हो? अशांत मन में वेदांत कैसे समझ में आ रहे? तो बोले भोग कर रहे हैं, खाते भी जा रहे हैं। तो पंडित जी आप सुनाते जाइए। हम गए हुए कहाँ, कलकत्ता विश्वविद्यालय में गए और सबके आगे एक एक तस्करी रख दी गई, और लोग तो और कुछ खा रहे थे, हमारे सामने किशमिश रख दिया गया, बादाम रख दिया गया। तो खाते भी जाइए स्वामी जी, और वेदांत की चर्चा करते जाए। तो एक बार जीव का स्वाद मालूम पड़ेगा कि ये किशमिश है ये बादाम है, एक बार ब्रह्म का विचार होगा। बोले नहीं, स्त्री पुरुष का आलिंगन होता रहे, सहवास होता रहे और वेदांत का विचार होता रहे। अरे भाई वेदांत का बदनाम मत करो, उसके लिए दम से कोई साइंस की खोज भी तो भोग से चित्त विक्षिप्त होने पर, संसार की घटनाओं से चित्त के विक्षेप होने पर कोई ठीक ठीक गवेषणा नहीं की जा सकती हो, ठीक ठीक अनुसंधान नहीं होता। अब ये करना ये करना, हम यहाँ सिंघानिया वाड़ी में पहले आते थे,
आज किस विषय पर व्याख्यान है? सन्यासी होने से पहले सन 35 सन 35 आज महाराज जैसे सत्य व्यवहार हो उस पर व्याख्यान दीजिए। जो 10 बजने वाला हुआ घड़ी में और सेठ लोग जो है इधर उधर देखने लगे, बोले आज दुकान पर ये काम है, अब भला बताओ। कर्म का तो इतना विक्षेप लगा हुआ है, वेदांत समझ में आवेगा, विक्षेप में समझ में नहीं आता। जरा सी तकलीफ आई और हाय हाय चिल्लाने लगे, क्या वेदांत समझ में आवेगा? और वेद वेदांत सदगुरु का वचन, संप्रदाय की मर्यादा, संप्रदाय की मर्यादा तो आप लोग उल्टा मत समझना, बहुत सोची विचारी हुई थी। साधन में एक क्रम को स्वीकार करना संप्रदाय है। हमारे गुरु के गुरु, हमारे गुरु जिस क्रम से उन्होंने साधन किया था, साधन के क्रम का नाम संप्रदाय होता है। ये जो मजहा फिरका फलाना ठिकाना है ना, वो राजनीतिक दृष्टि से है। प्रथम मुनि हरि की रति गाई से ही मध्य सरस सुगम, जिस रास्ते से महापुरुष लोग गए हैं, पहले आनंदमय कोष का और विज्ञानमय कोष का विवेक मत करो, पहले अन्नमय कोष का करो, फिर प्राणमय कोष का करो, फिर मनोमय कोष का करो। ये इसका नाम है साधन में क्रम, संप्रदाय में क्रम। पहले स्नान करो, वस्त्र धारण करो, चंदन लगाओ, पवित्र हो जाओ, है ना, उसके बाद संध्या वंदन करो, प्राणायाम करो, धारणा ध्यान करो। साधना में एक क्रम होता है, तो जो साधन क्रम सिलसिलेवार साधन होता है, इसी का नाम संप्रदाय होता है। उसमें श्रद्धा चाहिए, गुरु में श्रद्धा, संप्रदाय में श्रद्धा, शास्त्र में श्रद्धा, तब जाके वेदांत समझ में आता है। और एक बात और देखो, श्वेत केतु का झंडा तो बड़ा ऊंचा था। श्वेत केतु माने सफेद झंडा हो, जैसे व्हाइट पेपर होता है ना, जैसे व्हाइट हाउस होता है ना, और श्वेत केतु माने बिल्कुल श्वेत अंतकरण शुद्ध। जब पिता ने ये बात समझा दिया कि एक के विज्ञान से सब विज्ञान हो सकता है, उसने कहा नहीं, आपसे हमारा कोई विवाद नहीं है, सफेद झंडा फहरा दिया, आपसे हमारा कोई विवाद नहीं है पिताजी, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। श्वेत केतु, केतु माने झंडा, श्वेत माने सफेद। उसको अपनी विद्या का जो अभिमान था वो टूट गया और समाधान हुआ। हो सदैव सौम्येदम् अग्रे आसीत्, समाधान। तो बिना समाधान के शांति चाहिए, शांति चाहिए, उपरति चाहिए, प्रतीक्षा चाहिए, श्रद्धा चाहिए, समाधान चाहिए और जानने की तीव्र इच्छा चाहिए। ये नहीं कि ये करने पर ऐसा हो जाएगा, जो कर्म पर भरोसा करता है कि ये करने से ऐसा होगा वो वेदांत का अधिकारी नहीं होता, और जो देवता पर भरोसा करता है कि इस देवता की पूजा करेंगे तो हमको ज्ञान हो जाएगा, वो भी वेदांत का अधिकारी नहीं होता। हमें किसी कर्म से, किसी उपासना से, ये कर्म जितना परिवर्तन करता है वो शरीर में करता है और शरीर के संबंधियों में करता है, भोग की सामग्री में करता है, और उपासना जितना परिवर्तन करती है वो मन में करती है, मन में। कर्म का परिवर्तन शरीर में है और उपासना का परिवर्तन मन में है। तो आप वेदांत का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, यस्तु विज्ञानवान भवति समनस्कः सदा शुचिः सतु तत् पदमाप्नोति यस्मात् भूयो न जायते। यस्तु विज्ञानवान भवति अमनस्कः सदा अशुचिः न स तत् पदमाप्नोति संसारं चाधिगच्छति। और दूसरे किसी ज्ञान में,
कर्म के ज्ञान में अंतकरण शुद्ध हो ये शर्त नहीं है, भोग के ज्ञान में अंतकरण शुद्ध हो ये शर्त नहीं है, देवता के ज्ञान में अंतकरण शुद्ध हो ये शर्त नहीं है। परंतु जब नाम रूप से विलक्षण, नाम रूप के अधिष्ठान, नाम रूप के प्रकाशक प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न ब्रह्म तत्व को जहाँ समझना होता है वहाँ अंतकरण की शुद्धि की आवश्यकता होती है। क्योंकि हाथ से पकड़ के रखो, मुंह से तो चिल्लाओ छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे और पकड़े, वो आपने सुना है ना, सूरदास नलिनी को सुवटा कहू कौने जकर। एक वेदांत के बड़े आचार्य थे, उनके पास एक तोता था, पोपट सुग्गा, वो एक दिन उस लकड़ी पर जाके बैठ गया जो घूमती है चक्कर की तरह घूमती है। जब वो बैठा तो चक्कर घूमा घूमा तो उसने जोर से दोनों हाथ से पकड़, और महात्मा बोले छोड़ दे, तो तोता भी बोला छोड़ दे। अब जो जो महात्मा जी बोले, अरे छोड़ देना भाई, अरे छोड़ देना भाई, है ना, लेकिन छोड़े नहीं हो। तो ये संसारी वेदांती लोग कैसे होते हैं, तो महात्मा लोग जो कहते हैं कि छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, है ना, तो वो भी कहते हैं छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, लेकिन वो तोता रतन की तरह महाराज मुंह से तो बोलते हैं, पकड़े तो वही चीज रहते हैं जिसको पकड़े हुए हैं, अपनी पकड़ तो छोड़ते नहीं है। जिसका नाम आजकल वेदांत हो गया है बोला, अरे मेरे बाप। स्वामी राम तीर्थ ने एक जरा सा किस्सा लिखा है, व्याख्यान में कहा था, मथुरा के 14 लोग यमुना जी में एक नाव पर 10-20 इकट्ठे हुए और खूब भांग भूटी होता है, चकाचक छान ली। और उसके बाद ये ख्याल हुआ कि ये नाव पर जो हम लोग बैठे हैं इसको आगरा ले चलें, वहां चांदनी रात में ताज की शोभा देखेंगे, और पकड़ के दान महाराज खेलने लग गए। चौबे लोग तो बड़े प्रचंड होते हैं, शक्तिशाली, नाव खेलने लगे। अब रात भर नाव खेते रहे, काल साहब आगरा आवेगा अब आगरा आवेगा। सवेरे जब लोग यमुना जी पर स्नान करने के लिए आए तो उन्होंने पूछा कि भाई आगरा आ गया, तो लोगों ने कहा ये तो मथुरा है, ये तो विश्राम का है। बोले अरे हम लोगों ने रात भर नाव खेई है और नाव मथुरा की मथुरा, आगरा क्यों नहीं पहुंची। तो जरा नशा भी उतर गया, जांच पड़ताल की तो मालूम हुआ कि जो लंगर था ना वो जहां उठाया नहीं था, नाव खे तो रहे थे लेकिन लंगर उठाया नहीं था। तो ये हमारे जो संसारी वेदांती होते हैं वो नाव तो खेते हैं, विचार सागर और वृत्ति प्रभाकर और चित्रुति और अद्वैत सिद्धि है, खंडन खंड खाते वेद दिखा पढ़ गए, नाव तो खेई बहुत लेकिन लंगर जहाँ पड़ा था। इस संसार का जो संबंध है, आसक्ति है, राग द्वेष है, ना विरतो दुश्चरिता ना शांतो ना समाहिता ना शांत मानसो वापी प्रज्ञा ने नहीं ना महात्मया, चार शब्द है। एक तो दुश्चरित्र छोड़ना और ना शांत, काम क्रोध से व्याकुल न होना, ना विरतो दुष्टरिता,